मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय परिसर में महिला स्व सहायता समूह के लिए बनी योजना मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। महिला स्व सहायता समूह द्वारा मुख्यमंत्री व गीता धामी का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी को राखियां भी बांधी। देखिए, आज मैं समझती हूं कि ये बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, आचार से लेकर सिलाई बुनाई और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों को ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई अल्प मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए प्रदेश में उद्यमियों से बेहतर संबंध तथा श्रमिकों को उनके हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों एवं श्रमिकों के अच्छे संबंधों से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बन्नू स्कूल देहरादून में आयोजित एक देश संकल्प गौमाता राष्ट्रधर्म महोत्सव में प्रतिभाग किया और कथा व्यास श्री गोपाल मणि का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मां गंगा, गौमाता और श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्हें गौ संरक्षण जैसी मुहिम से जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। चौली प्रखंड के पीपलकोटी के गुनियाला गांव में ऊपर पहाड़ी से अचानक भूस्खलन होने के साथ बड़ा बोल्डर गिरने से गांव में अफरातफरी मच गई। दशौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेमरू के गुनियाला गांव के ऊपर से कुछ वर्षों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे मॉनसून सीजन आते ही लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है और लोग रात्रि जागरण कर रात गुजारते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी लगभग 4 बजे भूस्खलन रास्तों से होते हुए गुनियाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मौके का मुआयना कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने को कहा गया और गांव में जल्द ही बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू करने का भरोसा दिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद रुड़की नगरवासियों ने जमकर जश्न मनाया। नगर में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने खुशी मनाते हुए मिठाइयां बांटी और जश्न का माहौल देखने को मिला। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चांद पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर जोरदार आतिशबाजी की और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गयी। जिलाध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने कहा कि यह हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है और आज हर भारतीय नागरिक के दिल में बहुत खुशी है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस दौरान सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। सबसे पहले तो मैं इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आज इतिहास रचा उनको बधाई देना चाहूँगा। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा जिनकी अगुवाई में आज ऐसा ऐतिहासिक दिन जो भारत की पूरी भारत याद रखेगा, जिन्होंने विश्व पर एक झंडा आज लहरा दिया है। आज पूरे विश्व में सबसे पहले भारत ने ही ऐसा आज विक्रम लैंडर आज जो हुआ है उसके लिए सफलता के लिए आप देख रहे होंगे कार्यकर्ता क्या पूरा देश आज किस तरह झूम रहा है। चाहे कोई घर में बैठा हो चाहे सड़क पे हो, हर आदमी टीवी देख रहा था 5 बजे से और जिस जैसे ही टीवी समापन हुआ वो लैंडर हमारा उतर गया। ऐसे ही पूरे युवा सब सड़कों पर आज पहुँच गए हैं। ये खुशी का दिन है और ये इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है।